गाइस हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बनाने वाले एक मॉडर्न हाउस जो आपको देखकर मजा आएगा। आपको यहाँ पे देखकर मज़ा ही आ रहा होगा अब तक, क्योंकि मैंने अभी भी 4x3 का ब्लॉक बनाना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाइस इसमें मैं फेस कैम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल वाला क्लिप है, आप देख सकते हो मैं मोबाइल पर खेल रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर फटाफट से इसे 4x3 का एक ब्लॉक बनाना है। तो आपने जैसे कि मैंने बनाए, थोड़े से मेरे आई थिंक कांच खत्म हो चुका है, तो कांच लेने में फटाफट आता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लॉक्स भी लेने हैं, ऐसे उड़न प्लैंक्स के ब्लॉक्स भी लेने हैं आपको बहुत सारे बनाने के। ये सब आपको बना के रखने, कांच और उड़न ब्लॉक आपको बना के रखने, जैसे कि मैं आपको बताऊँ वैसे आप करते जाए। उसके बाद ना ये सब प्लैंक्स लगाने हैं आपको, जैसे कि मैं आपको लगा रहा हूँ यहाँ पे उड़न प्लैंक्स लगाने। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ऐसा आप सिंगल डोर या डबल डोर दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। मैं सिंगल डोर या पे डबल, नहीं तो डबल डोर बना सकते हैं। यहाँ पे अभी सिंगल बना लेता हूँ पहले, तो यहाँ पे गलती से एक बन चुका है यहाँ पे, तो हटा देते हैं फटाफट से और यहाँ पे ना अलग से ब्लॉक लगा लेते हैं। गाइस मेरे को थोड़ा सा दरवाजा ना मतलब छोटा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताओ। अगर आपको चाहिए सिंगल डोर तो सिंगल डोर आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो ना गाइस यहाँ पे डबल डोर लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे डबल डोर ऐसा लगाएंगे और ये जो हमारा पहला वाला ब्लॉक था ना उसको फटाफट से ऐसे तोड़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब डबल डोर मतलब यहाँ से बहुत बड़ा दिख रहा है आप तो जाने आने के लिए, तो एक इसका बेनिफिट हो सकता है। और ना उसके बाद ना आपको क्या करना है, फिर से ग्लास लेना है और फिर से 4x3 का आपको ऐसा दीवार खड़ी करने है उस कांच से। तो फटाफट से आपको ऐसा करना है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ, वैसा ही आपको करना है। बहुत अच्छा होम दिखेगा गाइस अभी के लिए फिलहाल तो। लेकिन गाइस ना अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ कि गाइस कांच और आपको सिर्फ कांच बना के बहुत ज़्यादा बना के रखना है। आपको पता है कि वो कैसे बनाते हैं, नहीं पता तो कमेंट में बताओ, मैं आपको उस पर अगली वीडियो ला के दूंगा आपको। और मैंने पिछला वाला आपको वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देखो गाइस, उसमें भी बहुत सारे हमने फन किए और अगला वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। ऐसे आपको उड़न प्लैंक्स लगाने हैं वहाँ पे, तीन एक साथ तीन उड़न प्लैंक्स यहाँ पे लगा देने हैं आपको। जैसे कि वहाँ पे मैंने उधर लगाए वैसे भी इधर लगाने हैं तीन प्लैंक, तो अभी से अच्छा दिखने लगा है हमारा ये हाउस गाइज। गाइज यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है पता है, हाथ में आपको क्या लेना है, वाइट कंक्रीट लेना है और यहाँ से यहाँ पे भर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भर रहा हूँ। ऐसे आपको तीन ब्लॉक ऊपर भर देने हैं तो गजब का दिखेगा। और उसी साइड मतलब आपको लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही भरने हैं तीन ब्लॉक, फटाफट से वाइट कंक्रीट के भर देने। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि ऐसे मैं भर रहा हूँ, वैसे ही आपको भी वाइट कंक्रीट के तीन ब्लॉक यहाँ पे भर देने। और उसके बाद ना गाइस यहाँ पे ऊपर ऊपर में भी आपको वाइट कंक्रीट भर देना है, जैसे कि एक लेयर मैंने भर रहा हूँ वैसे ही आपको एक लेयर भर देना है यहाँ पे। तो वहाँ पे वाइट कंक्रीट भर देने के बाद ना गाइस यहाँ पे नीचे उतर जाना है आपको, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे एक दो और अभी भी भरने वाइट कंक्रीट। वहाँ पे लेफ्ट पे आपको जो खान देख रहे हैं खान जैसा, वहाँ पे मैंने व्हाइट कंक्रीट तैयार किया है। आपको भी व्हाइट कंक्रीट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना होगा और ग्लास भी आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी, जितनी ज़्यादा आप रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा कम पड़ते गाइस। और उसके बाद ना यहाँ पे और टू ब्लॉक्स लगा देने आपको, या टू ब्लॉक्स की आपको चेन बनाने है और ऊपर तक भी आपको टू ब्लॉक्स ऐसे ही लगा देने व्हाइट कंक्रीट के। और उसके लेफ्ट साइड में हमने बनाए है वैसे आपको राइट साइड में भी बना देना है, लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी वो तोड़ चुका हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए आप एक बना सकते हैं वहाँ पे। मैंने बनाए थे टू बनाए थे, क्योंकि मैं कैसा दिखने वाला है, सिर्फ कैसा दिखता है ये सब देखने के लिए मैंने टू बनाए थे, लेकिन आप एक भी बना सकते हैं। उसके बाद ऐसे आपको टेन बनाने हैं, पीछे तक आना है आपको, टेन तक आना है, टेन तक गिनती करके आओ गाइस। आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसे हमको टेन ब्लॉक्स लगा देने पीछे तक, वैसे अदर साइड पर आपको तीन लगा देना है, टेन तक आपको लगा देने हैं अदर साइड में भी, जैसे कि हमने बनाए वैसे आपको टेन तक लगा देने हैं। और यहाँ पे ना हमने जब इधर तक तो हमने गिनती नहीं की, लेकिन राइट में हमने डेफिनेटली एक्यूरेट गिनती की। आप चाहो तो बढ़ा सकते हैं उसको, लेकिन मैंने टेन तक ही रखा है गाइस। यहाँ पे देख सकते कि ऐसा टेन तक रखा है, तो जो हमने राइट साइड पर गिनती की थी वहाँ से हम ना वहाँ पर देखेंगे कि कैसे दिखता है अभी, तो फिलहाल के लिए तो अच्छा दिख रहा है। तो उसके ना ऐसे पीछे से आपको जोड़ना है उधर तक, जो हमने लेफ्ट वाला बनाया था ना वैसे ही हमको कॉलम तक यहाँ पे जोड़ देना है। तो यहाँ पे मेरे को ना दो ब्लॉक ज़्यादा हो चुके थे लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे हमने तो गिनती नहीं की थी, लेकिन राइट साइड पर हमने की थी। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कैसे क्या है, हुए से हमने ना ऐसे गड्ढे बनाए ज़मीन पर,
इससे कि आपको गिनती करने में आसानी होगी। तो वैसे ही आप एक ट्रिक आजमा सकते हैं और उसके ना हम दो ब्लॉक एक्स्ट्रा के हो चुके थे उसको यहाँ से फटाफट तोड़ देंगे। तो गाइज ना आपको क्या करना है, ऐसे पीछे की तरफ एक कॉलम लगा देना है और उसके राइट साइड में भी एक कॉलम लगा देना है, मतलब ये लेफ्ट साइड होती है तो लेफ्ट साइड में भी एक आपको फटाफट से ऐसे कॉलम लगा देना है। तो गाइज आपका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कैसा बना है। और उसके बाद ना गाइज आपको क्या करना है, मस्त ऐसा स्लैब लगा देना है ऊपर और नीचे भी टाइल्स लगा देने हैं आपको। वही हम गाइज कॉन्क्रीट से टाइल्स लगा देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाइल्स मैंने आपका टाइम बचाने के लिए लगा दिए यहाँ पे। वैसे आपको ऊपर का स्लैब भी लगा देना है फटाफट, वो भी वाइट कॉन्क्रीट से ही लगा देना है आपको गाइज, ना कि कोई आप अलग यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप टाइल्स के लिए यूज़ करना चाहोगे तो कर सकते हो, मैंने वाइट कॉन्क्रीट की ही बना रखे, मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं था इसलिए मैंने वाइट कॉन्क्रीट की ही बना रखे टाइल्स। अगर आप चाहो तो कुछ भी अलग बना। तो गाइस उसके बाद हमारा घर कुछ ऐसा दिख रहा है, जब हमारा सिर्फ कॉलम वगैरह लगने के बाद कुछ घर हमारा ऐसा दिख रहा है। आप देख सकते हो कि कैसा है हमारा घर फिलहाल के लिए, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है गाइस, ऊपर जाने के लिए हमको स्टेयर्स लगा देने हैं, तो हम उड़न की स्टेयर्स लगा देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्क्रीट है वाइट कॉन्क्रीट, वहाँ पे नीचे लगा देंगे सपोर्ट के लिए। उसके बाद उड़न के ओक स्टेयर्स है गाइस, तो वो यहाँ पे लगा देने हैं और ऊपर चढ़ने के लिए हमारे और उतरने के लिए बहुत काम आएंगे ये तो। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा सपोर्ट लग रहा है उसका वाइट कॉन्क्रीट का, तो स्टेयर्स आपकी गजब के मतलब अच्छे से बैठ जाएंगे यहाँ पे, कुछ तिरकी वगैरह नहीं होंगे। तो वैसे ही आपको करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, कंक्रीट का एक बेस अच्छा खासा बेस बनाना है हमको कंक्रीट का। उसके बाद वहाँ पे उसके ऊपर स्टेयर्स लगा देने का है, तो यहाँ पे हमारा एक मस्त ऐसा स्टेयर्स बन चुके ऊपर चढ़ने और उतरने के लिए, और ऊपर वाला मंजिल भी हमको एक बना देना है यहाँ पे। तो गजब का यहाँ से दिख रहा है फिलहाल के लिए, तो आपको कैसा दिख रहा है फटाफट से कमेंट में बता दीजिए हमको, मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है फिलहाल के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स भी हमारे बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है गाइस, यहाँ पे स्टेयर के ठीक बगल में ऊपर तक हमको कॉलम लगा देना है क्योंकि अच्छा दिखेगा हमारे लिए। तो पीछे आकर एक बार देख लेते कि कैसा दिख रहा है। तो ना आप क्या करेंगे, अगर आपको अच्छा नहीं दिख रहा तो आप आगे ऐसा ही बना सकते हैं, स्टेयर्स के ठीक राइट साइड में आपको बना देना है, और आपको पीछे वाला तोड़ सकते हो तो तोड़ देना है, क्योंकि गाइस हमारे मन में जो आइडिया आता है हम वही करते हैं। तो उसके बाद ना आपको फिर से एक बार पीछे आकर देखना है कि कैसा दिखता है। अच्छा तो दिख रहा है गाइस ये आगे वाला, लेकिन पीछे वाला हमको फटाफट से तोड़ देना है गाइस, क्योंकि ना पीछे वाला कुछ काम नहीं था वहाँ पे, तो उसको तो फटाफट से हमने तोड़ दिया है। और उसके बाद ना गाइस यहाँ पे इसको जोड़ देना है जैसे कि मैंने यहाँ पे जोड़ा है, और उसके बाद फिर से ऐसे हमको 10 तक आना है, मतलब जब तक हमने पिछला वाला जोड़ा था वही से इसको अटैच कर देना है सिंपली। और आपको पता है कि स्लैब और टाइल्स उसका कैसा लगाना है, वाइट कंक्रीट के लगा सकते हैं आपको, अगर चाहो तो कौन से भी रंग के आप लगा सकते हो, आप इतने भी अच्छे हो गए तो आप अलग कर दोगे, नहीं तो हमारे वाइट कंक्रीट के गजब के लग रहे, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप कर सकते हो। ऊपर और नीचे का आपको पता ही चाहिए कैसे करना है। उसके बाद ना हमारे राइट वाले जो स्टेयर्स वाला पोर्शन है उसका पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कर देना है गाइज, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया वैसे ही आपको कवर कर देना है गाइज, जैसे कि यहाँ पे कर दिया गाइज। तो आप देख सकते हो कि गजब का मतलब गजब का दिखे राइट साइड में है ना, वो भी आपको फटाफट से ऐसे कवर कर देना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ स्टेयर के पास का, क्योंकि वहाँ से हमको थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था। तो राइट साइड में भी ना गजब का दिखेगा अभी बॉक्स जैसा, तो वो भी अच्छा है गाइज। उसके बाद ना गाइज कुछ ऐसा हमारा अभी एक घर का सेट दिख रहा है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है फिलहाल के लिए तो। लेकिन आपका काम यही नहीं खत्म होता, आपको लब लगाने ग्लासेस, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ना थोड़े बहुत वाइट कंक्रीट के बॉक्स लगा देते हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छा अच्छा लुक आएगा, क्योंकि वो आपने लेफ्ट साइड में भी वैसे लगा दिए जो कि आपको स्टेयर के पास है उसे। गाइज उससे क्या होगा कि लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, आप ग्लास लगाने हैं राइट साइड पे, पूरे का पूरा कवर करना है आपको ग्लास से पीछे तक गाइज, सिर्फ और सिर्फ ग्लास से। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंक्रीट लगा सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा कुछ कंक्रीट, तो हम क्या करेंगे ग्लास लगा देंगे फटाफट से, पूरा का पूरा राइट तरफ का हमारा एरिया होना हम कर देंगे वहाँ पे ग्लास से भर देंगे। लेकिन हमारा जो पिछला वाला एरिया है पीछे की तरफ का एरिया है, वो हमको सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट से नहीं भरना है, वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे
ग्लास भी लगाएंगे, थोड़ा कॉन्क्रीट लगाएंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन करेंगे। लेकिन हमारे स्टेयर्स की जो पीछे वाला एरिया है वहाँ पे हमको ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट लगा देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है। स्टेयर का जो पीछे वाला है मतलब 3 ब्लॉक आपको लगा देना है कॉन्क्रीट, जैसे कि मैंने लगा दिया है। और उसके बाद वहाँ पे भी हमको कॉन्क्रीट लगा देना है जैसे कि हमने लगाया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने टोटल पाँच कॉन्क्रीट के बॉक्स लगा दिए पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे की तरफ ना गाइज बहुत ज़्यादा ग्लास हो जाएगा तो कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्लास हो जाएगा तो कुछ दिखने में अच्छा नहीं होगा। तो हमको यहाँ पे देख सकते कि पाँच ग्लास लगाने जितना हमको जगह मिल चुके है वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ग्लास लगा देने। पीछे वाले पोर्शन में हमको फटाफट से ग्लास भर देने, जैसे कि मैं यहाँ पर भर रहा हूँ। और वही हमको करना है लेफ्ट की तरफ, सभी की साइड में वैसा करने के बाद नहीं गाइस टोटल 6 आपको ग्लास लगा देने हैं। मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था कंक्रीट, वो तोड़ दे वैसा ही आपको कर देना है। 6 ग्लास के पीछे मतलब 6 ग्लास की दीवार बनेगी पीछे की तरफ गाइस। उसके बाद आता है हमारा लेप वाला एरिया। तो लेप वाले एरिया में जैसे कि हमने स्टेयर्स में लगाई थी यहाँ पे आगे 3 ब्लॉक्स वैसे ही लगा देने हैं हमको, 3 ब्लॉक्स आगे वाले पोर्शन में। और उसके बाद पीछे वाले पोर्शन में भी 1 ब्लॉक हमको लगा देना है, जैसे कि हमने उधर नहीं लगाया क्योंकि हमको वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो इसलिए हमने नहीं लगाया। तो यहाँ पे हमको 2 ब्लॉक्स टोटल लगा देने हैं लेफ्ट की साइड पे। तो और उसके बाद हमको फटाफट से ग्लास भर देने हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ऐसे आपको ग्लास फटाफट से भर देने। और उसके बाद ना हमारे सब के सब दीवार वगैरह बनकर तैयार हो चुके हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है आपको देख सकते हैं। उसके बाद ना हमको डेकोरेट करना है थोड़ा बहुत इनर, तो इनर डेकोरेशन थोड़ा बहुत कर देने के बाद एक गजब का दिखेगा। लेकिन एक लास्ट में आपको व्यू दिखा दूंगा, सनसेट का व्यू, वो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो आप लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, तो बहुत गजब का दिखेगा ये आपको। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वुडन प्लैंक से ना, वुडन ओक के प्लैंक से उससे हम उसको डेकोरेट करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उससे ही गजब का दिख रहा है गाइज। चारों कोनों में चारों हमको वुडन प्लैंक्स लगा देने गाइज, तो गजब का दिखेगा गाइज। यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा इंटीरियर दिख रहा है अभी से भाई। उसके बाद ना हम टॉर्चे वॉर्च लगा देंगे ना, तो भाई गाइज कुछ ऐसा हमारा अभी तो फिलहाल घर दिख रहा है। लेकिन हमको क्या करना है पता क्या, अब ऊपर वाला मंजिला भी हमको बनाना है। तो 1 2 3 4 हमको 4 ना ऐसे ऊपर तक ब्लॉक बनाने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए। आप देख सकते हो कि मैंने कहाँ से बनाए। तो उसके बाद ना हमको ओके हमको बॉक्स बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा आपको दिखेगा। मैंने टाइम बचाने के लिए फॉरवर्ड किया है, तो आपको मैं पीछे करके भी दिखा सकता हूँ, कोई नहीं तो आपको देखना है तो ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता था पहले, तो आपको क्या करना है उसके बाद आपको पता ही है अब क्या क्या मेजरमेंट है। तो उसके बाद ना हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड पे ना गाइज ऐसे हमको 2 कॉन्क्रीट के ब्लॉक्स लगा देने हैं ऊपर तक गाइज। तो अब कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा ऊपर का मंजिला। तो ना गाइज यहाँ पे हमारा बात नहीं खत्म होती, हमने दरवाजे फिर से लगा चुके हैं इसमें, तो डोर्स लगा चुके हैं हम, तो अंदर जाते हैं और वो ऊपर वाला मंजिल है ना वो खत्म कर देते हैं एक बार। उसके बाद ना पीछे तक आपको कंक्रीट भरना है। यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि कैसे भर रहा हूँ, वैसे पीछे तक आपको कंक्रीट भरना है, जैसे कि हमने नीचे वाले पोर्शन में किया था वैसे हमको क्या करना है ऊपर वाले पोर्शन में फटाफट से कर देना है। तो यहाँ से हमारा काम खत्म नहीं होता गाइज, और थोड़ा काम बच जाता है। ऊपर का मंजिल भी हम गजब का करेंगे, क्योंकि गाइज हमारा ऊपर का मंजिला होगा ना उसमें हम हमारा बेडरूम बना देंगे। तो गाइज ओपी लेवल तो बनना चाहिए ना हमारा, जैसे कि गाइज हमने नीचे ऊपर का स्लैब बनाया था वैसे ऊपर का स्लैब बनाएंगे जैसे कि नीचे का बनाया था। तो यहाँ पे हमने कॉलम वगैरह तो फिलहाल के लिए कुछ नहीं लगाया है, ये गाइज माइनक्राफ्ट है आप समझ सकते हो गाइज। लेकिन यहाँ पे घर कितना ओपी लग रहा है आप अभी से देख सकते हो, लेकिन अभी इतना काम नहीं होता। हमको ऊपर भी ग्लास वगैरह लगा देने हैं क्योंकि मास्टर बेडरूम हमको करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वुडन प्लैंक्स थोड़ा 1 ब्लॉक लगा देंगे हम ऊपर तक। यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हो चुके हैं गाइज, और क्या करना है पीछे तक हमको ना ऊपर वाला पोर्शन हमारा जो बेडरूम होगा वो हमको ग्लास से कवर कर देना है, ना कि यहाँ पे कंक्रीट लगा देना है। हमने कंक्रीट तो सिर्फ नीचे लगाया था, तो हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्लास से ही काम करना है। तो गजब का यहाँ पे तो हो चुका है, कंक्रीट तो हमने लगाया नहीं है। और यहाँ पे हमको विंडोज़ के लिए तो आप यहाँ पे खोज सकते हैं दो। तो यहाँ पे हमने विंडोज़ के लिए भी गजब के
कर सकते हैं। और यहाँ पे दरवाजे भी गजब का ओपी लग रहा है यहाँ से देखने में तो। और आपको क्या करना है पता है क्या, आप गिर ना जाओ उसके लिए आपको यहाँ पे कांच भी लगा देने हैं आपको, क्योंकि आप सो कर उठोगे और ऐसे गिर जाओगे जैसे कि मैं अभी गिरा, तो उस ऐसे आप ना गिरो, इसलिए आपको ऐसे कांच के लगा देने हैं गाइस, क्योंकि आप गिर जाओगे। ग्रिल्स कहते हैं उसको, तो ग्रिल्स अब हम डेली टू डेली यूज में कहते हैं उसको ग्रिल्स, तो ग्रिल्स ऐसे लगा देने आपको जैसे कि आप गिरे ना। तो यहाँ पे गजब के हमको ग्रिल्स वगैरह लगा के तैयार हो चुका है हमारा घर। लेकिन गाइस एक बार मैं व्यू दिखा देता हूँ, और आपको पता है कि लास्ट में आपको एक व्यू दिखने वाला है, वो भी गजब का व्यू है गाइस। यहाँ पे गाइस देखिए कि घर कैसा ओपी लेवल दिख रहा है गाइस, मॉडर्न हाउस हमारा बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन गाइस इसमें हमने ना कि स्विमिंग पूल बनाया, ना कि गार्डन, ना ही कि कंपाउंड वगैरह कुछ नहीं बनाया है, तो वो भी हम बनाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। गाइस ये देखिएगा इसके राइट साइड से हमारा घर कितना ओपी दिख रहा है गाइस। मॉडर्न हाउस किसको कहते हैं, इसको कहते हैं गाइस मॉडर्न हाउस। पीछे की तरफ से भाई गजब का दिख रहा है। और गाइस ना हमारे पीछे की तरफ एक रिवर है, उससे भी हमको कुछ अलग आइडिया सोचने में मदद होगी, उसमें भी हम स्विमिंग पूल वगैरह आगे बनाएंगे। लेकिन गाइस ओपी लेवल घर दिख रहा है, और नेक्स्ट माइनक्राफ्ट का एपिसोड भी आएगा, इसमें आगे स्विमिंग पूल, कंपाउंड, खेत वगैरह बनेंगे। तो अब मिलते हैं आपको गाइस अगले वीडियो में, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन जाते जाते आप व्यू देखते जाइए गाइस, मैं इसी व्यू की बात बता रहा था, लेकिन सनसेट थोड़ा जल्दी हो चुका था तो मैं ऊपर आने में थोड़ी सी लेट हो चुका था। लेकिन गाइस जब सनसेट होता है ना, गजब का मतलब गजब का दिखता है गाइस रूम से, इस रूम से मतलब बेडरूम से गजब का दिखता है। यहाँ पे हमने बेड भी लगा चुका है। तो गाइस फटाफट से हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।